फ्रेंड्स नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम किचन में शाही पनीर की रेसिपी शेयर करेंगे, उम्मीद है आप सबों को पसंद आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। शाही पनीर बनाने के लिए हमने ये सारी चीजें ली हैं जो इसमें पड़ेंगी। ये एक टेबल स्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी है, एक टीस्पून ये वाले स्पून से ये धनिया पाउडर है, ये थोड़ी सी मिर्ची है, काली मिर्च है, और एक ये तेज पत्ता है। ये थोड़े से काजू लिए हैं, ये 250 ग्राम पनीर लिया है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये थोड़ी सी मलाई ली है, ये थोड़ा सा दूध लिया है, जितना जरूरत होगा उतना ही डालेंगे। ये एक चम्मच है मलाई, और ये थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर डालेंगे, और ये तीन प्याज लिए हैं, इसे पहले पतले पतले काट लेंगे। ये लहसुन काट लेंगे, थोड़ा सा अदरक लिया है ये काट लेंगे, दो मिर्ची ली हैं इसे भी काट लेंगे, ये थोड़ी दो लाल मिर्ची ली हैं सूखी मिर्च इसे भी काट लें, इसे भी तोड़ लेंगे, और ये टमाटर काट लेंगे। पहले ये सारा मसाला तैयार करेंगे। तड़के में ये थोड़ा सा बटर है, अमूल बटर है, ये डालेंगे, और थोड़ा सा घी डालेंगे, एक चम्मच घी डालेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना डालेंगे। ये पनीर हमने काट लिया है, ये मसाला भी काट लिया है, ये पतले पतले प्याज काटे हैं, अदरक लहसुन हरी मिर्ची काट ली है, ये टमाटर भी काट लिए हैं। अब तड़का लगाएंगे। कढ़ाई रखी है, गैस ऑन करेंगे, हाई फ्लेम करेंगे अभी, और इसमें ये थोड़ा सा घी डालेंगे। और ये बटर डालेंगे। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें जीरा डालेंगे। ये गरम हो गया है, अब इसमें ये तेज पत्ता डालेंगे, और ये आधा चम्मच जीरा डालेंगे। तो थोड़ा भून लेंगे। जीरा ब्राउन हो गया है, अब इसमें पिए प्याज डालेंगे, प्याज लहसुन हरी मिर्ची अदरक ये सारा कुछ इसमें डाल देंगे। अब इसको भून लेंगे अच्छी तरह। थोड़े इसको ब्राउन कर लेंगे भून के। थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें टमाटर डालेंगे। इसको भी भूनेंगे जब तक कि टमाटर इसमें मिल ना जाए। फ्लेम इसकी मीडियम कर देंगे, और ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे, नमक हल्दी धनिया काली मिर्ची। करीब इसको 5 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे। कवर कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसका कवर हटा लेंगे।
टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं बीच में, अब इसमें काजू डाल देंगे, ये भी इसमें भून देंगे। फ्लेम थोड़ी मीडियम कर देंगे। करीब 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। दो मिनट हो गए हैं, ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको एक बार और भूनना है फ्रेंड्स, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। बस अब गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा, गैस बंद कर देंगे और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीसेंगे। काजू को थोड़ी देर पानी में भिंगो के फिर इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस के इसका पेस्ट बना के भी सब्जी में, शाही पनीर में डाल सकते हैं। मसाला जो भुना है वो ठंडा हो गया है, वो इस मिक्सी ग्राइंडर में डाला है, अब इसको पीसेंगे फिर तड़का लगाएंगे। ये मसाला मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया है, अब बिल्कुल वैसे ही कढ़ाई में फिर से डालेंगे। गैस ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम करेंगे और ये मसाला मिक्सी इसमें कढ़ाई में डालेंगे। इसको भूनेंगे। भूनेंगे और ये जो मिक्सी ग्राइंडर में थोड़ा सा रह गया है मसाला, उसमें पानी डाल के इसमें मिक्स कर देंगे। सॉरी, इसको भून लेंगे अच्छे से। फिर फ्लेम हाई कर देंगे। इसी तरह 2 मिनट भून लेंगे। ये मसाला बिल्कुल भून गया है, अब इसमें थोड़ी सी ये मलाई डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। थोड़ा सा ही डाला है, जितनी जरूरत होगी उतना डाल लेंगे। अच्छे से अब इसको उबाला आने देंगे ताकि दोनों चीजें बीच में पक जाएं। अब इसमें पनीर डाल देंगे। लो मीडियम कर देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। हल्के हाथों से इसे हिला देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे।
फ्रेंड्स ग्रेवी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, पानी थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। अब 2 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे। दो मिनट हो गए हैं, ये सब्जी हो गई है। अब इसमें ये जो मसाला है, गरम मसाला और थोड़ी सी चीनी मिक्स कर देंगे, थोड़ी सी हल्की सी चीनी। अब गैस बंद कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये सब्जी हमारी रेडी हो गई है। इसके ऊपर ये धनिया से गार्निश कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया सब्जी बनी है, कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही स्पाइसी सब्जी बनी है। ये नान के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।